सो डियर फ्रेंड्स, मेरी चैनल के ऊपर फिर से आप लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। सो आज अपने 12 डे सीरीज का लास्ट डे है और आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस वंडरफुल नॉलेज विथ यू ऑल। सी, जैसे लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्व है, एनर्जी मैनेजमेंट का बहुत महत्व है, अपने जीवन को या बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस मैनेजमेंट का बहुत महत्व है, वैसे ही अपने जीवन की क्वालिटी को अप रखने के लिए या बहुत इफेक्टिव होके जीवन जीने के लिए इमोशन मैनेजमेंट का भी बहुत ज्यादा महत्व है। एक्चुअली व्हाट इज इमोशन मैनेजमेंट? इसमें आगे जाने से पहले एक बात को समझना पड़ेगा। यू नो, टू हैव एन इमोशन एक अलग बात है एंड टू बी इमोशनल दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। भावनाएं होना और भावनाओं में बह जाना, वो दोनों में बड़ा फर्क है। जैसे इमोशन के बगैर लाइफ नहीं है, वैसे ही जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तब वही लाइफ खत्म भी हो जाती है, डाउन भी हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। खुल के अगर आप अपने जीवन को देखो तो आपके इमोशन वो आपका स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स है। माने अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इमोशन चाहिए। इमोशन के बगैर बात वो बनती नहीं है, वो दम नहीं आता है। आपने कभी ये देखा है कि जब क्रिकेट मैच चल रही है, वो वनडे सीरीज या वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें जब इंडिया पाकिस्तान की मैच है तब सबसे ज्यादा महत्व होता है। माने व्यूअर्स भी बढ़ जाते हैं, हम सब लोग छुट्टी उट्टी लेके मैच को देखने के लिए बैठ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान की मैच में हार या जीत, उसमें सिर्फ वो क्रिकेटर्स के लिए सीमित नहीं है, लेकिन जैसे कि पूरा का पूरा देश उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें हार या जीत माने हमारी हार या जीत है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। वैसा क्यों है? क्यों इतना इंपॉर्टेंट मैच है? क्योंकि हमारे इमोशन जुड़े हैं। यू नो, हमारी देश की टीम अब वो देश की टीम हो गई क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खेल रही है। जस्ट एन एग्जांपल, इसमें देखो क्यों महत्व है, क्योंकि हमारे इमोशन जुड़ जाते हैं। यू नो, जीवन में छोटे छोटे कार्य है या तो कोई बहुत बड़ा कार्य है, कोई बहुत बड़ा गोल है आपके जीवन का, उसमें सफल होने के लिए एक बड़े पर्पस के साथ उसको जोड़ना होता है। अब ये बड़ा पर्पस माने क्या एक्चुअली होता है? जैसे कोई बड़ा पर्पस के साथ जुड़ते हैं हम, तो उसमें वो बड़े इमोशन, इंटेंस इमोशन हमारे अंदर डेवलप होते हैं। जैसे आप देखो ना, कोई सोशल वर्क है या कोई राष्ट्र के लिए, देश के लिए कोई चीज करने होती है, तब हमारे अंदर वो भावना जगती है, यू नो, और वो हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। सपोज आपकी कोई पैशन है, तो वो पैशन वाली चीज करने के लिए वो इमोशन उसमें जुड़ते हैं, और इसलिए तो आप फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी कार्य में आप अपना 100% लगाते हैं, दम लगाते हैं, बाउंड्रीज ब्रेक करके रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस कार्य के साथ आपके इमोशन जुड़े हैं और वो ड्राइव करते हैं आपको कुछ करने के लिए। तो वो तो होना चाहिए, एक वजह मिल जाती है, एक उद्देश्य मिल जाता है कुछ करने के लिए। पर इसका एक एंटायरली अलग साइड भी देखते हैं। अदर साइड माने मैं क्या बताना चाहता हूं कि देखो, इसी जगह पे जहां पे आपका मन लगा है, दिल लगा है, 100% दे रहे हैं, वो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या कोई बड़ा वजह, रिलेशनशिप, उसी में ही एक रिस्क क्या जुड़ा है कि वही एरिया में आप कई बार बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। माने उसी जगह से आपको ज्यादा स्ट्रेस भी मिल सकता है। इमोशनल हो जाना, भावनाओं में बह जाना मींस क्या? यू एक्यूमुलेट लॉट ऑफ स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। अगर लाइफ में सफल होना है तो जितना हमारा इमोशन ड्राइविंग फोर्स बनता है, उतना ही हमारे इमोशनल स्ट्रेस को मैनेज करने की कला हमें सीखना पड़ेगा, तभी व्यक्ति बैलेंस रह के आगे बन सकता है। कुछ लोग इमोशन से ड्राइव होके कुछ बड़ा करने की तत्परता में लगते भी है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देयर ओन इमोशनल स्ट्रेस, और फिर वो फंस जाते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जितनी इंटेंसिटी से कोई बड़े कार्य को पकड़ते हैं, उतनी इंटेंसिटी से फिर वो छोड़ भी देते हैं। यहां पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेनली तीन प्रकार के स्ट्रेस है। एक है फिजिकल लेवल का स्ट्रेस,
माने बॉडी लेवल पे हैं, कई बार हम बहुत काम करते हैं तो थक जाते हैं, ये फिजिकल लेवल का स्ट्रेस है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो थकान चली जाती है। दूसरा है वो है मेंटल लेवल का स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ा है। अभी आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, या कोई आपको कार्य करने हैं, अभी जो आपको करना है उसके साथ वो मेंटल स्ट्रेस जुड़ा है। आपको सपोज ये कार्य करना है, आपके सामने ये प्रॉब्लम या चैलेंज है, और उसको पूरा करने की जो आपको शक्ति चाहिए, अगर वो शक्ति कम है तो आप मेंटल स्ट्रेस अनुभव करते हैं। इफ यू हैव इनफ एनर्जी टू हैंडल दिस, यू डोंट फील दैट मेंटल स्ट्रेस। बट जब एनर्जी नहीं है तब मेंटल स्ट्रेस है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं मेंटल स्ट्रेस भी सीमित होता है क्योंकि वो परिस्थिति के अधीन है, परिस्थिति के डिपेंडेंट है। परिस्थिति चेंज हुई तो मेंटल स्ट्रेस भी चेंज हो जाता है। सो दैट इज नॉट सो लॉन्ग, यू नो। बट तीसरा जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहता हूं वो है इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनली कई चीजें हम लॉन्ग टाइम तक पकड़ के रखते हैं। पकड़ के रखते हैं मीन्स क्या, पास्ट में कोई घटनाएं घटित हो गई है और मन उस घटनाओं को छोड़ता ही नहीं, और वो घटनाओं के साथ जुड़े हुए लोगों के प्रति हमें एक प्रकार का एक रेजिस्टेंस हो जाता है। सो वो सब चीजें जो हो चुकी है घटनाएं, उसको माइंड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट इमोशनल स्ट्रेस इन द माइंड। पास्ट में जो चीजें हो गई हैं आपके साथ उसके साथ जुड़ा है, और फ्यूचर में जो चीजें होने वाली है उसके प्रति एंग्जाइटी के फॉर्म में या इनसिक्योरिटी के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा, कर पाऊंगा कि नहीं, रिजल्ट ठीक से मिलेगा कि नहीं, ये समझना पड़ेगा आपको कि इमोशनल स्ट्रेस पैदा करने की आपकी एक पैटर्न बनी हुई है। कुछ परिस्थिति को या लोगों को या सिचुएशंस को, घटनाओं को एक ही प्रकार से परसीव करने की आपकी पैटर्न बन चुकी है। कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ प्रकार का बिहेव करता है तो आप पर्टिकुलर उसी प्रकार के ही आर्ग्यूमेंट करते हैं या तो रिएक्ट करते हैं। Why it is happening? Because it is your pattern. आप बड़े उत्साह के साथ कुछ करने निकले लेकिन किसी ने बोला आपसे हो ही नहीं सकता, आप कुछ कर ही नहीं सकते, और आपकी ऊर्जा डाउन हो गई, आप उनके शब्दों में आके फंस गए कहीं पे। इस इमोशनल स्ट्रेस पैदा करने की अपनी खुद की पैटर्न को पहचानना पड़ेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा अपने आप को, तो बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अभी हम ये बात करते हैं कि ये इमोशन को मैनेज कैसे करेंगे। कई बार हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं तो रिलैक्स कैसे होंगे, छोटी छोटी असफलताओं से परेशान हो जाते हैं, कैसे अपने मन को संभालेंगे, इमोशन को कैसे संभालेंगे। तो नंबर वन, सबसे पहले तो हम किस प्रकार से इमोशनल स्ट्रेस को पैदा करते हैं उसको समझना पड़ेगा। जैसे कोई एक घटना घटित हुई है तो वो हुई है, इतना इनफ नहीं, पर वो घटना होने के बाद हमारा माइंड उसमें बहुत ज्यादा मीनिंग ऐड करता है, और मीनिंग ऐड कर करके हम उस इमोशनल स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करते हैं। किसी कोई एक व्यक्ति ने आपको बोल दिया, कुछ बोला, पर वो उनके शब्दों में हम अपने खुद के मीनिंग बहुत ज्यादा ऐड करते हैं। स्ट्रेस देने वाली एक घटना हुई है 10%, पर उसको हम मीनिंग्स ऐड करके मल्टीप्लाई करके 100% कर देते हैं। तो हुआ है इतना, पर हम खुद इतना बना देते हैं। इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई अवर इमोशनल स्ट्रेस। तो पॉइंट इज, जो है सो है, उसको स्पष्ट देखने का एक एबिलिटी डेवलप करो, डोंट ऐड योर ओन मीनिंग्स। दूसरा पॉइंट, आपका माइंड कुछ पास्ट घटनाओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये कह रहा हूं इमोशनल स्ट्रेस से फ्री होना है तो पास्ट की घटनाओं की असर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जितनी मात्रा में आपने पास्ट को पकड़ के रखा है उतनी मात्रा में आप इमोशनल स्ट्रेस को अनुभव करते रहते हैं। सो जो हो चुका है वो हुआ, अब आगे बढ़ो। पास्ट में कोई मिस्टेक्स की है तो छोड़ के आगे बढ़ो, तब जाके उसमें से सीख पाओगे। जब आप इमोशनली स्ट्रेसफुल हैं तो पास्ट की घटनाओं से सीख नहीं पाओगे। सो इमोशनली स्ट्रेस को छोड़ो तो वो घटनाएं
एक स्पष्ट रूप में दिखाई देगी, जो हुआ है सो हुआ है। सो योर माइंड इज न्यूट्रल और मे बी योर एनर्जी इज हाई, तब जाके आप इस घटनाओं से कुछ सीख सकते हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है इमोशनल स्ट्रेस से फ्री होने का, और वो है कुछ ब्रीदिंग टेक्निक को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मेडिटेशन कर रहे हैं। यहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपका कहीं पे भी नजदीक में अगर आप कोई आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर है और वहां पे आप सुदर्शन क्रिया सीख सको, तो सुदर्शन क्रिया से आप इमोशनल स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, आप आंख बंद करके थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठो, मेडिटेट करो, यू नो, आंख बंद करके बैठो और जो भी इमोशनल स्ट्रेस है उसको अपने सांस के साथ जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, और वो सांस के द्वारा उस स्ट्रेस को बाहर फेंको। और ये अभ्यास से 100% गारंटेड आप इमोशनल स्ट्रेस से फ्री हो जाओगे। इमोशन और सांस कहीं पे जुड़ा हुआ है, सो कोई भी नेगेटिव इमोशन से आप फ्री होना चाहते हैं तो सांस का मदद लेके आप उससे फ्री हो सकते हैं। वो बार बार अभ्यास करने से उसमें आप माहिर हो जाओगे। तो फिर से एक बात बताना चाहता हूं कि आपका ड्राइविंग फोर्स तो इमोशन ही है, क्योंकि कोई बड़े उद्देश्य के साथ काम करते हैं तो अंदर वो पॉजिटिव इमोशन क्रिएट होते हैं, पर उसके साथ नेगेटिव इमोशनल स्ट्रेस भी पैदा हो सकता है, उतनी मात्रा में हो भी सकता है। लेकिन अगर आप इमोशनल स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लेते हैं तो डेफिनेटली सक्सेसफुल जर्नी आगे कर सकते हैं और फिर लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेके बड़ा कुछ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं और ये हमारे 12 दिन की सीरीज जो चल रही थी 12 दिनों से वो कंप्लीट हुई है। अब आपका रोल है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करना है ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दूसरा, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं या हमें और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बात करना चाहिए, वो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तभी जाके एक आदान प्रदान होगा, मुझे भी पता चलेगा कि इस फ्लो को कैसे आगे ले जाए। बहुत जल्दी वापस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सी यू, बाय बाय।